हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। नर्सरी हम जाते हैं तो बहुत महंगे से महंगे पौधे मिलते हैं, यानी कि इंडोर प्लांट जो होते हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो हम आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि फ्री के हम कैसे तैयार कर सकते हैं। मिट्टी में जाते साथ ही 5 दिनों के अंदर इनमें जड़ बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। नाचते डोलते लटकते झूलते हंसते खेलते वाले पौधों के नाम और किस तरीके से लगाना है, ये तीनों जो पॉट देख रहे हो मेरे फ्री के ही है, यानी कि मैंने घर पे ही बनाया है स्प्राइट बोतल या फिर हमारे घर के जो किचन से डिब्बे निकलते उसमें से। तो सबसे पहले जो देख रहे हो यहाँ पर, दो मैंने हैंगिंग बास्केट बनाया है और एक जो है वो पॉट है। तो दोस्तों अभी जो मैं पौधे दिखाने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ, बहुत ही महंगे पौधे हैं, नर्सरी में बहुत महंगे मिलते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप बहुत सारे पौधे को रेडी कर लीजिए। और अभी जो जुलाई में बारिश हो रही है, बहुत जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपको इस पौधे को बारिश से बचा कर रखना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ फटाफट से देर ना करते हुए आप लगा लीजिए। ये है बेबी डियर दोस्तों, देख सकते हो इनके जो पत्ते हैं वो कितने मोटे मोटे हैं, और ना ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इनकी अभी ग्रोथ इतनी नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसे कटिंग से ही लगाया है। ये मेरे रेड वाले जो पॉट देख रहे हो, ये 4 इंच के पॉट है, हैंगिंग बास्केट में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे पास इस तरीके की स्पेस नहीं है जो मैं इसे लटका कर रखूँ। तो ये जो देख रहे हो मैं अभी इसमें लगा रही हूँ उखाड़ उखाड़ कर, आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो। और इनके हर नोड एरिया पर ना, अभी बारिश हो रही है तो हर नोड एरिया पर इनके जो है जड़ दिखने लगते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको मिट्टी में दबा देना है या फिर रख देना हल्के हाथों से, ये मिट्टी में टच होते ही इनमें जड़ बन जाते हैं। 5 से 6 दिन भी नहीं लगेंगे क्योंकि इनमें तो पहले से ही जड़ बने हुए हैं, सिर्फ मिट्टी में ये जोर से जड़ पकड़ेंगे, मिट्टी में सिर्फ आपको रखना है या फिर दबा देना है। तो बहुत ही आसान है, आप ना जाने कितने सारे इस तरीके की हैंगिंग पॉट रेडी कर सकते हो अपने गार्डन में, और इसे बारिश से बचा के रखना है दोस्तों। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उस जगह पर आपको हैंग कर देना है, नहीं तो इनके जो पत्ते हैं वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं हमारे पास पौधे। तो मैं इसलिए इसे हैंगिंग बास्केट में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इसे बारिश से बचाना है। और जो रेड वाले पॉट में मैंने लगा के रखा था तो वो अलग जगह पे रखी हुई थी, यानी कि जिस जगह पर सारे परमानेंट पॉट है उस जगह पर रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में लगाना बहुत अच्छा समझा। तो आप सभी ने ये सब काम नहीं किया तो फटाफट से आप कर लीजिए। मैंने इसकी दो पॉट रेडी किया था, अब मैं क्या करूँगी, एक ही पॉट में दोनों पौधे को उखाड़ उखाड़ कर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो है ये एक है और एक यहाँ पर देखिए येलो वाले में, मैंने सिर्फ इसकी कटिंग जो है छोटी छोटी लेकर रख दिया था, ये देखिए, और ये बहुत अच्छे तरीके से इनमें जड़ बन गए हैं। आप सभी ने देखा मैंने ज़्यादा ज़ोर से उखाड़ा भी नहीं, सिर्फ हल्के हाथों से इसे लेकर आ गई और ये बहुत अच्छे तरीके से जड़ बन गए। आप सभी ने नहीं लगाया तो फटाफट से लगा लीजिए, बहुत महंगे प्लांट है दोस्तों, 1 से 2 इंच की भी कटिंग आपको मिल जाती है, या फिर आपके पास है तो आप बहुत सारे पॉट रेडी कर सकते हो इस तरीके से हैंगिंग बास्केट। और जब हवा चलते हैं ना तो इनके जो लटकते हुए पौधे जो है, यानी कि ये जो है झूमर की तरह नीचे लटकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट में बेस्ट प्लांट है, आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। तो ये मेरा जो पौधा है ये रेडी हो चुका है, देख सकते हो। अब मैं इसमें पानी नहीं दूंगी क्योंकि ये मिट्टी पहले से ही गीली है, आपकी मिट्टी सूखी हुई है तो आपको पानी देना है। मैं इसलिए पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 दिनों से बारिश हो जा रही है, मिट्टी सूखने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए मुझे ये पौधे को अब बारिश से बचाना है। तो मैं सोची इसे अब इस जगह पर लगा कर टांग दूंगी जहाँ पर इसकी बारिश की बूंदें ना गिरे। नेक्स्ट प्लांट हमारा है, ऐसे तो मैं बहुत सारे पौधे दिखा सकती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये है टर्टल वाइन, इसमें भी मैंने स्प्राइट बोतल से हैंगिंग बास्केट बनाया है, और इनके जो देख रहे हो ये लटकते हुए झूमर की तरह कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे, हर नोड एरिया पे इनके व्हाइट व्हाइट देखिए जड़ बने हुए हैं। इसे आप अभी लेकर आप ज़मीन में फेंक भी दोगे तो भी ये लग जाएंगे, देखिए कितने सारे इनमें जड़ बने हुए हैं। तो बहुत ही आसान है इस पौधे को लगाना, आप थोड़े बड़े पॉट भी ले सकते हो, यानी चौड़ी या फिर छोटे, मैंने छोटे छोटे इसलिए लगाया क्योंकि हमारे गार्डन में कम जगह है तो मैं छोटे पॉट में ही लगाना पसंद करती हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैरायटी हो जाती है प्लांट की और प्लांट का शौक भी पूरा हो जाता है। आपके पास बहुत बड़ी जगह है तो आप थोड़ी बड़े यानी चौड़े पॉट में लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में। मैं देखो यहाँ पर ये जो माजा वाला जो बोतल है, ऊपर की जो पाट है खोपड़ी यानी जो ढक्कन वाले, उस पर ही मैंने सिर्फ लगाऊँगी अभी, और जो इससे पहले मैं दिखाई वो भी
स्लाइस वाले बोतल में लगे हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग ले लिया है और कटिंग आपको 3 से 4 इंच की ही सिर्फ लेनी है। बहुत आसान है इसे लगाना। आपको सिर्फ क्या करना है, मिट्टी लेंगे तो गोल गोल राउंड करके पूरी पॉट में घुमाकर बिछा दीजिए इस पौधे को और बहुत आसान तरीके से ग्रो हो जाएंगे। देखिए हमें मिट्टी कैसे लेना है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनानी है, इसमें खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मिट्टी 1 भाग और 1 भाग बालू ले लीजिए और इसकी मिट्टी जब हल्की सी ड्राई हो तब जाकर आपको पानी देना है। ज़्यादा नमी बनाकर ना रखें क्योंकि ये सब पौधे में नमी बहुत होती है दोस्तों। इसके पत्ते जो है, इसकी टहनी है, इसमें बहुत सारे पानी होते हैं, इसलिए हमें अगर आप 2-4 दिन पानी भी नहीं दोगे इसकी मिट्टी सूख भी जाती है, फिर भी इस प्लांट को कुछ नहीं होता। बहुत ही बेस्ट प्लांट है। आपके पास समय नहीं है तो आप ये सब प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस कटिंग को लगा दिया, यानी कि लगाया क्या, मैंने सिर्फ इस तरीके से राउंड राउंड बिछा दिया है, रख दिया है, ऊपर से थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी डाल दीजिए या फिर इस तरीके से ही ये लग जाएंगे। नेक्स्ट प्लांट हमारा जो है मनी प्लांट, हर किसी का फेवरेट होता है, हर किसी के घर पे भी पाए जाते हैं। तो इसके हर नोड एरिया पे रूट्स बने होते हैं। तो यहाँ पर जो देख रहे हो, एक मैं वहाँ पर दिखाई दीवारों पे लगे हुए हैं और एक यहाँ पर भी मैं लगाई हूँ। ये देखिए 2 प्लांट मेरे पास मनी प्लांट है और एक है किचन में रखी हुई है। अब मैं फिर से 3रा प्लांट रेडी करने जा रही हूँ। तो देखिए हमें एक बहुत लंबी सी कटिंग ले लेनी है या फिर 1-2 पत्ते भी आपको कहीं से भी मिलते हैं तो आप ले लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए कटिंग को रेडी कर लिया है। अब इस पॉट की थोड़ी हल्की सी मिट्टी रेडी निकाल ले रही हूँ। अब फिर उसके बाद लगाना बहुत आसान है। आप सिर्फ लगाकर मिट्टी डाल दीजिए। अब पानी आपको हमेशा चेक करके देना है। जैसे सारे पौधे की मिट्टी आपने बनाई उसी तरीके से मनी प्लांट की भी मिट्टी बनाइए। जितने सारे भी पॉट आप रेडी कर रहे हो तो आपके पॉट में छेद होना ज़रूरी है। तो देखिए वेल्डन जू, इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। ये भी नीचे लटकते झूलते नाचते डोलते हिलते रहते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही बेस्ट खूबसूरत प्लांट है। तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और लग चुकी है। इनमें ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो देख रहे हो ये है क्रीपिंग इंच प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत है। 3-4 दिन ही होते होंगे मैंने इसकी कटिंग लगाई है और इसकी ग्रोथ भी देखिए कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। आपके पास जगह नहीं है तो इस तरीके से बोतल में लगाइए और दीवारों में लटका दीजिए। बारिश से भी ये बच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।